जैसा कि सरकार द्वारा 20 अप्रैल से होम डिलीवरी, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां थी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार ने आदेश दिए थे कि लॉकडाउन के दौरान सबको घर घर जाके होम डिलीवरी की जाए। इस पर अभी 2-3 दिन से व्यापारियों का पुरजोर विरोध भी चल रहा है और पुरजोर विरोध के साथ साथ व्यापारियों की बात भी सरकार ने सुनकर ये आदेश अपना वापस ले लिया है। तो सबसे पहले तो मैं सभी व्यापारी बंधुओं को बधाई देना चाहूंगा। तो जैसे कि टुक्की राम जी हमारे साथ हैं, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये कल हापुड़ हलचल ने एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू करी थी, इसलिए हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाया था, उसके लिए आपका चैनल भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। इसके अलावा हापुड़ उद्योग व्यापार मंडल ने और उत्तर प्रदेश के और देश के सभी व्यापारिक संस्थाओं ने लगभग लाखों हजारों ट्विटर और मेल और व्हाट्सएप पर जो मुहिम शुरू करी, उससे सरकार को ये लगा कि उन्होंने ये इन लोगों को वो जो परमिशन दी है वो गलत दी है और उसको उन्होंने सस्पेंड किया है। उसके लिए बहुत बहुत मैं मोदी जी को, मैं सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये वास्तव में व्यापारी एकता की जीत है। सजग पत्रकारिता जो बात हमारी बात को ऊपर तक अपने सही ढंग से हमारी बात को सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचाई है, उन्होंने सजग पत्रकारिता की जीत है। तो इसलिए मैं व्यापारी गठबंधन और व्यापारी और पत्रकारिता के बीच के गठबंधन है, मैं उसको इसकी बधाई देता हूँ। तो अभी जैसे ये सरकार ने अपने आदेश वापस लिए हैं, तो इससे अब जितने भी लोकल व्यापारी हैं उनको क्या फायदा मिलेगा या वो कैसे होम डिलीवरी कर पाएंगे? देखिए भाई साहब, अंतर कुछ ज्यादा नहीं है। लॉकडाउन ने छोटे व्यापारी को पूरी तरह से पीस के रख दिया है। केवल फर्क पड़ेगा तो इतना पड़ेगा कि व्यापारी को जो तिनके का सहारा कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो कहां पर चरितार्थ होती है। व्यापारी कुछ उभरने की उसकी गुंजाइश बनेगी, वरना तो व्यापार तो बिल्कुल चौपट है और मुझे लगता है अगले 3-4 महीने तक व्यापारों में जान पड़ने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही मांग है कि व्यापारियों के लिए एक अच्छे आर्थिक पैकेज की घोषणा करी जाए, क्योंकि सरकार के निर्देशानुसार हम सभी अपने कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं और जैसे भी है व्यापारी वेतन में और अपने खर्चों में इतना टूट जाएगा कि उस पर लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। एक व्यापारी जिस किसी के 2 आदमी, किसी के 5 आदमी, किसी के 7 आदमी है, जिसके जैसा काम है, सबके कुछ वेतन भी दे रहा, सबको पैसे दे रहा, अपना पेट काट के भी दूसरों का पेट भरने की वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं। लेकिन व्यापारी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मेरी सरकार से हाथ जोड़ कर यही मांग है, पुरजोर मांग यही है कि व्यापारियों के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करी जाए। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम उसका बिजली के बिल नहीं ले रहे हैं, मांगेंगे नहीं, स्कूलों की फीस नहीं लेंगे, मुझ पे मेरे मोबाइल पे वो है मैसेज है बिजली वालों के कि हमारा पैसे जमा करवाइए, या स्कूल वालों को मेरे बच्चे की फीस के लिए नोटिस मुझ पे है। तो ये सब केवल अगर ये सभी चीजें केवल बातों बातों में रह जाएंगी तो वो गलत होगा, इसे जमीन पर उतारना पड़ेगा। बच्चों की 3 महीने की फीस माफ करवानी पड़ेगी सरकार को, स्कूलों पर ज्यादा दबाव बना के, बिजली के बिल, GST, बैंकों का ब्याज, इन सबको हमें 3 महीने की छूट देनी पड़ेगी, जब भी हम उभर पाएंगे, वरना व्यापार उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट। जैसा कि व्यापार मंडल ने PMO और योगी सरकार के पोर्टल पर शिकायत की है, तो उस शिकायत के बाद जैसा कि सरकार ने आपका अपील मानी है, तो उस पर आप लोगों ने छोटे व्यापारियों के लिए होम डिलीवरी के लिए कोई अपील की है? छोटा व्यापारी तो होम डिलीवरी अब भी कर रहा है, अगर वो कहीं चाहते हैं तो छोटा व्यापारी तो अपने पास 2-3 आदमी रखे हुए है, वो पहुंचाता है, और जिस तरह से सरकार चाहेगी, जिस तरह से लोकल प्रशासन हमसे उम्मीद करेगा, हम पूरी तरह से प्रशासन के साथ हैं, देश के साथ हैं और इस संकल्प के साथ है कि लॉकडाउन को, इसे कोरोना को आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसा कि अभी आपने सुना,
व्यापार मंडल बहुत ज्यादा खुश है सरकार के इस आदेश पर, मगर कुछ ये 3 महीने का या इससे बढ़ता है या कम होता है लॉकडाउन, तो इस अवधि का फीस और बिजली के बिल को लेकर थोड़ी सी अपील और की जा रही है। जीएसटी और जीएसटी वगैरह के लिए सबके लिए थोड़ी सी अपील की जा रही है, जिससे व्यापार मंडल को भी और आम जनता को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।